हम लोग सेमरी पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं। मेरी हॉस्टल 1.6 किलोमीटर है, बहुत जल्दी हूं तो चल लेता हूं। विलेज पहुंच चुका हूं, अंधेरे में पहुंच गया था 5:30 बजे। 6 बजे रिसेप्शन खुल गया था। सो ये है फंकी विलेज हॉस्टल, ये इनका रिसेप्शन, और सामने भी हॉस्टल है, अंदर पूल भी है। सो हमको हमारे रूम्स मिल गए हैं, एंड हियर आर गोइंग। सम पीपल आर ट्रैवलिंग एंड ये भी मेरे साथ वेट कर रहे हैं। सो माइन इज रूम नंबर 12। सो ये रूम है, वेल मेंटेन। दिस बिग टीवी, हो गॉड, फ्रिज है, टीवी का साइज तो देखो यार, ग्रेट। एंड देयर इज अ बाथरूम, ओके, नीट एंड क्लीन शावर, नो टॉयलेटरीज आई थिंक सो। या टॉवल्स आर हियर, बाकी सब अरेंज हो जाएगा। Good one, and there's a pool here. This is the hostel. Good one. ये लोग मेरे लिए बनाना शेक ढूंढ रहे हैं। किसी को फोन करके पूछ रहे हैं कि बनाना शेक अवेलेबल है या नहीं, या मालूम नहीं क्या बात कर रहे हैं अपने से। तो मेरे लिए बनाना शेक ढूंढ रहे हैं, ये कहीं मिल जाए तो। मार्केट जहाँ पे मैं थोड़ा नाश्ता या खाने के लिए बैठा हूँ, इट्स अ क्लोथ मार्केट, एंड साथ में खाना पीना भी है। चेस स्प्रिंग रोल्स आए थे, स्प्रिंग रोल्स तो अच्छे हैं, ये बनाना शेक के बजाय इन्होंने कुछ और दे दिया है, मुझे क्या है मालूम नहीं कौन सा शेक है, बट चलेगा। तो यहाँ भी मैंने बाइक रेंट कर लिया है, कुलिन माउंटेन जाता हूँ और देखता हूँ आगे कैसा रहता है सफर। जैसे हमारे हिल स्टेशन पे कोई एक व्यू पॉइंट होता है, जैसे आपको पूरा माउंटेन या अच्छे से फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वैसा ही यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप फोटोज खींच सकते हैं। तो So this is a Buddha statue. There is some ceremony going on. Thank you.
trai mình để bắt mua một cọc chấm nước bằng mì ít thôi bằng đặt ra No. It's a beautiful temple. Oh, so here is the Buddha. So yahan ke big Buddha hai. Is the girl, what's your good name, Betty? Anita. Anita? Yeah. Yeah. And you live here? Yes, I do. Okay, so she is the girl who knows English and so many people. Are you studying English medium school? Yes, absolutely. Wow, that's really good. So she studies in English medium school and I found her in near Big Buddha. Take care, bye-bye. Thank you. Yes, thank you. In mountain mein ek chota sa 5-10 ghar ka village hai. जो अपना कल्चर अभी तक संभाले हुए हैं। मैं कहां चला गया था मालूम नहीं, किलोमीटर्स तक ऐसे ही रोड्स हैं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कभी अच्छे रोड आ रहे हैं ऐसे वाले, कभी एकदम बुरे रोड आ रहे हैं। अब मुझे रोड मिला है तो मैं जा रहा हूं वाटरफॉल Kulen waterfall. कहाँ जा रहा हूँ मालूम नहीं है, जंगल ही जंगल है. And Kulen waterfall ढूंढ रहा था, कोई गांव में पहुंच गया. अब मैप में दिखाया है कि Kulen waterfall यहाँ है. रोड्स बहुत ही खराब है और अकेले भी है, कोई भी नहीं है. मैं आपको किलोमीटर्स तक कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ जंगल ही जंगल. बस ऐसा आप पीछे देख सकते हैं मेरे, जंगल ही जंगल है. कोई सामने आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है. फाइनली मुझे वाटरफॉल का रास्ता मिला है. यहां से 350 मीटर दूर बता रहा है जो चल के जाना है आपको, तो मैं चल के जा रहा हूँ 350 मीटर. काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड शाम होने को भी है, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाके जल्दी आना पड़ेगा. ऐसे रास्ते हैं. वाटरफॉल की आवाज़ तो सुनाई दे रही है. यहाँ भी एक रेस्टोरेंट है, अम्मा जी ने खोल के रखी है. ओके, सो आप इसके ऊपर से व्यू देख सकते हैं. मैप मुझे राइट जाने का बोल रहा है, पर मैं कोई और साइड जा रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए कि ब्रिज पे से कैसा व्यू आएगा. स्कूटी लड़की अंदर जाने की बैठी है.
वाटरफॉल शायद आगे है, पानी थोड़ा क्लियर है, येलोइश है तो क्लियर है। सो यू कैन सी ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे म्यूजिक बज रहा है। दुकानें भी बंद हो रही है। सो दिस इज द वॉटरफॉल। बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, वरना मैं और दूसरा जो बड़ा वाला था उसको अच्छे से देखने की कोशिश करता, पर अब मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी एक और 1000 लिंगास बाकी है और फिर बैक टू सीएम रिप। सीएम रिप जाने का भी 2 घंटे का रास्ता है एंड शायद रास्ते में सनसेट हो जाए। बहुत अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, सनसेट होते ही तुरंत एकदम अंधेरा हो जाता है। सो फाइनली मुझे मेरा तीसरा डेस्टिनेशन मिल गया है, दैट इज 1000 लिंगास। ये रहा, ये 1000 लिंगास, देखते हैं कैसा है। कोई मंदिर आ गया यहाँ पे वापस से बुद्ध जी का। Wow, this is unbelievable. अब देख सकते हैं अंदर से पानी, क्लियर पानी निकल रहा है एकदम। लाइफ में पहली बार देख रहा हूं मैं ऐसा। बहुत ही क्लियर वाटर है और यहां से बह रहा है वो। ये है 1000 लिंगास, इसके अंदर है नेचुरल जो ब्रिज बनता है, बट अभी पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है तो इसके अंदर है, अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई वाटरफॉल जो हमने देखा काफ़ी अच्छा था। बिग बुद्धा का टेंपल बहुत ही सुंदर था और ये 1000 लिंगास हमको देखने को नहीं मिला क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, वो ब्रिज पानी के अंदर है, पर उधर वहाँ पे जो हमने देखा जो गड्ढे में से अपने आप से पानी निकल रहा है, अद्भुत था वो भी। बट और कितनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अंदर अंदर है, गाइड के बगैर आप देख नहीं सकते, आपको मिलेगा भी नहीं, गूगल मैप में भी दिखाता नहीं है। तो ये 3 मेन चीज़ें जो लोग देखने यहाँ पे आते हैं, और इसके लिए आपको कुलेन माउंटेन पे आने के लिए $20 की फ़ीस देनी पड़ेगी, दैट इज़ टू मच, 1700-1800 रुपया। मैं ऊपर तक तो ऐसे ही आ गया था, ऊपर चेक पॉइंट पर मुझे $20 मांगे या टिकट मांगे, टिकट मेरे पास थे नहीं, पर मैंने उनको इंग्लिश नहीं आती थी, मैं इंग्लिश में उनसे बातचीत कर रहा था, थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट्स की, फिर कंटाल के उन्होंने भी बोला कि भाई $10 दे दो और जाओ, और $10 देके मैं यहाँ पे आ गया। पर ओरिजिनली आपको नीचे से ही चेक पॉइंट से टिकट लेनी है, पर मैं जब वहाँ से निकला तो कोई था नहीं वहाँ पे चेक पोस्ट पे, इसलिए मुझे वहाँ से तो एंट्री मिल गई, वरना आपको वहीं पे रोक लेंगे और $20 की टिकट लेनी पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ अगर आप सीएम रिप आ रहे हो तो उसके लिए वर्थ है। $20 बहुत ज़्यादा है। ये ऐसी चीज़ें हम लोग कंपोर्ट में इससे भी सुंदर चीज़ें देख चुके हैं। हाँ, बिग बुद्धा का टेंपल बहुत ही सुंदर था। आगे आपकी मर्जी। सो दैट्स द पंप स्ट्रीट सीएम रिप।
So ye hai pahla night market and ye baju hai pub street. So yahan se maine ye all time favorite banana cake khaya, banana roti, egg se mix karwaya, egg, banana and Nutella. Same concept of Thailand. So yeah, like a chota sa street there. Not a happening place, it's a gathering place. Some girl. एक साथ इकट्ठा होते हैं कहीं पे खाना बना खाने के लिए. वैसे तो इकट्ठे हुए हैं, बाजार कुछ नहीं है. कुछ पुलिस वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे. सो दिस 7-Eleven स्टोर हियर. And ये बाजू है, that's it. ये बाजू चलते हैं. तो म्यूजिक भी डिस्क विच इज टोटली एम्प्टी. यहाँ भी एक डिस्क है जो एम्प्टी है. एंड बस ये खत्म हो गया. बाय बाय, थैंक यू. यहाँ के पब स्ट्रीट में लोग शायद बहुत लेट आते हैं. रात को 12 बजे 1 बजे के बाद आपको थोड़ी पब्लिक देखने को मिलेगी. बस और कुछ है कि नहीं यहाँ पे. कब से कब से बार है शायद खाने बनने का होगा. पता नहीं तो बढ़िया भी होगा. पुष्पा है यहाँ पे. That's it. इतना ही है यहाँ पे, खत्म हो रहा है पब स्ट्रीट. Yes, sir. Yes, sir. No, thank you.